समझा रहे हैं, नेशनल फिजिकल फिटनेस बोर्ड की तरफ से एक सेमिनार हो रहा है स्पोर्ट्स का। तो उस स्पोर्ट्स का सेमिनार में हमको बताया जाएगा कि कैसे क्या क्या नए गेम्स के चेंजेस हुए हैं या क्या क्या कराना होता है गेम्स में, तो उससे रिलेटेड सेमिनार है। जैसा कि पहले मुझे याद नहीं रहा ये सब बताना, तो आगे से आपको ऐसे ही वीडियोज़ मिलती रहेंगी कि आगे कौन सा इवेंट है या क्या है, कहाँ पे कौन सा इवेंट होने वाला है, तो देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। तो फाइनली ये है हमारा डेस्टिनेशन जहाँ हमें आना था, और ये होटल है जहाँ पे अभी वर्कशॉप होनी है। तो अभी हम चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या वर्कशॉप में हो रहा है। वैसे भी हम लोग लेट हो चुके हैं, तो अभी पहुँचना है जल्दी से, देखते हैं फिर बताते हैं। थैंक यू पहले तो सर को कि उन्होंने मुझे बुलाया और मैं यहाँ पे आया, और जो भी इवेंट में बैठे हुए उनको सादर प्रणाम मेरा, और जो भी सामने छत्तीसगढ़ बैठे हैं उनको भी एक बार कह देते हैं नमस्कार। मैं डिस्ट्रिक्ट यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से, और मेरा नाम मोहम्मद यादव है, और डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी वो ओलंपिक का सेक्रेटरी भी हूँ। तो स्पोर्ट्स को लेकर पहले तो खैर हम जो भी आए हैं तीनों लोग खुद ही खेलते थे, साथ में क्रिकेट खेला हुआ है हम लोगों ने, के एसोसिएशन से। तो धीरे धीरे हम लोगों का खेलना बंद हुआ, तो हमने सोचा कि जो हम कमियां जो हैं हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके और डिसिप्लिन को लेके, तो वो हमने खुद से फेस की हुई है। जैसे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में खेलते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ से हमें पढ़ाने के लिए या कुछ भी करने के लिए आजकल लोग और एक परिवारवाद पर मान लो या फिर वो चीज़ ज़्यादा चल रही है। अगर हम अच्छे खेलने वाले भी हैं तो हमें तब मौका मिलता है जब दूसरे के पास कोई चॉइस नहीं होती। इससे पहले अगर उसका कोई रिलेशन में है या कुछ भी है तो वो उसको पहले भेजना चाहिए। हम लोगों ने काफ़ी बार फेस की, जैसे हम लोग जाते भी थे तो हम लोगों का होता था कि गए हैं कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन उसका सिलेक्शन हो जा रहा है जिसको जान पहचान अच्छी है, जिसका लिंक अच्छा है। तो उस चीज़ों को देखते देखते फिर हम लोगों ने थोड़ा मेहनत करना स्टार्ट किया और एसोसिएशन में घुसना स्टार्ट किया ताकि हम लोग जो हमने फेस करी है तो वो हम फेस ना करें। तो ऐसे ही धीरे धीरे एक बार किसी दोस्त के जरिए से सर के बारे में मुझे पता चला, तो फिर मैंने सर का कॉन्टैक्ट नंबर दिया, सर से भी बात हुई, तो फिर एक 1.5-2 साल से सर से कॉन्टैक्ट में रहता हूँ व्हाट्सएप वगैरह पे। वैसे ही नॉर्मली आज पहली बार पर्सनली मैं आज मिला हूँ, वैसे तो व्हाट्सएप वगैरह पे होता रहता था। तो पता चला तो मैंने अपने दोनों दोस्तों लोगों को बताया कि सर ये सेमिनार है वहाँ पे, सर से एक बार चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं, क्योंकि फ़ोन पे तो बहुत बार देखा हुआ है, वीडियोज़ वगैरह सर की देखी हुई हैं, तो जाके और जितना अच्छे से हम जाके मिलते जान सकते हैं उतना हम फोन पे नहीं जान सकते। तो इसलिए आज हम पहली बार आए हैं, तो सर का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का। थैंक यू सर। से पहले से जुड़े हैं वो लोग तो इनसे परिचित हैं, क्योंकि कोई भी हमारा कार्यक्रम ऐसा नहीं होता जहां मित्तल साहब की हाजिरी ना हो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि सर आप आ जाएं, उनकी तबीयत ठीक है नहीं है, वो शहर में है, बिजी है, कैसे भी है, लेकिन वो मैनेज करते हैं और समय मैनेज करके वो समय निकाल के हमें आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में आ जाते हैं। ये इनका बड़प्पन है। और नेशनल स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस जो बोर्ड है उसकी जो हमारे इंडिया की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसके ये चेयरमैन हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अपना पक्ष नाम से अपनी भी पत्रिका लगातार, पानीपत की एकमात्र ऐसी पत्रिका है जो मैं बचपन से जब मैं छोटा होता था तब से मैं देखता आ रहा हूँ, और तब मैं कॉलेज टाइम में था तब से मैं पढ़ता आ रहा हूँ।